हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर अर्निंग कर रहे होंगे। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग जीत रहे होंगे, कुछ लोग हार रहे होंगे, पर फिक्र की कोई बात नहीं है दोस्तों। उम्मीद की शमा दिल में जलाए रखिए। शायद आज आपकी इस वीडियो से हो सकता है पहली जीत का सिलसिला शुरू हो जाए। तो पेन और नोटबुक दोनों ले लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जीएल के जीतने के लिए हम कोई भी चीज़ मिस करें। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आपके इस सपोर्ट की वजह से मुझे हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का और अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का। एक और चीज़ मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे और क्या क्या नई चीज़ ऐड करनी चाहिए अपनी वीडियो के अंदर, तो मैं आने वाले वीडियो में वो चीज़ आपके लिए लाऊं और कुछ गलतियां अगर हो रही है तो उन्हें मैं ना करूं। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं अपने स्टेट की तरफ। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, ग्रैंड फिनाले। काफ़ी रोमांचक मैच ये होने वाला है। सबसे बड़े ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 75,000 क्राउड की कैपेसिटी का चांस है। 75,000 टिकट बिक चुके हैं अभी तक, लास्ट जो मैंने देखा था। अभी पता नहीं कब तक, तो कुछ और आंकड़े बढ़ गए होंगे। लगभग 1,00,000 कैपेसिटी वाला ये ग्राउंड है, तो उम्मीद है कल के मैच में काफ़ी हमें क्राउड देखने को मिल सकता है वुमन मैच में, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहां पर ये मैच खेला जाने वाला है। वेदर की अगर हम बात कर लें तो वेदर पूरा क्लियर है, कल का बारिश के कोई चांस नहीं है। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है बट मैच पर उसका कोई असर नहीं दिखेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश अगर हो भी जाती है, और क्योंकि अभी 2 दिन बाकी है, ऊपर वाले का खेल क्या हो, बारिश के बादल छा जाए, बारिश आ जाए, तो रिज़र्व डे भी रखा गया है। सेमीफाइनल में रिज़र्व डे नहीं रखे गए थे बट फाइनल के लिए रिज़र्व डे भी रखा गया है। अगर संडे को मैच नहीं होता है तो मंडे को मैच किया जाएगा, खेला जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, संडे को अगर मैच आधा अगर एक टीम बैटिंग कर लेती है तो ऐसा नहीं है कि वो मंडे को रिज़र्व डे के दिन सेकेंड इनिंग दूसरी टीम खेलेगी, नहीं, मैच ऐसा नहीं होता। पूरी की पूरी मैच फिर से खेली जाती है और न्यू मैच न्यू बॉल के साथ खेला जाता है। तो वेदर रिपोर्ट की ये आपके लिए रिपोर्ट थी। अब लकीली हम भी यही दुआ करेंगे कि पहला इंडिया का ये फाइनल में पहुंचा है तो इंडिया विन करे, हम इंडिया के लिए सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा ही। पिच रिपोर्ट की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। T20 की यहाँ पर हम अगर कुछ मैचों पर नज़र डालें, जैसे कि यहाँ पर 11 मैच खेली गई है इस ग्राउंड पे T20 की, तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 5 बार मैच जीता है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच जीता है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 140 का रहा है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया की टीम ने मारा है 184 रन का, जो कि ये मेंस क्रिकेट का ये स्कोर है दोस्तों। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि वुमेंस का है, मैं आपको क्लियर कर लूँ, ये मेंस के रिकॉर्ड यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा है 74 रन का, जो कि इंडिया का ही है, इंडिया ऑल आउट हो गई थी। और हाईएस्ट रन चेज यहाँ पर हुआ है 172 रन का। डोमेस्टिक क्रिकेट पे अगर हम नज़र डालें तो 44 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, जिसमें से 18 विन उसने किया है जिस टीम ने पहले बैटिंग की है, और सेकेंड बैटिंग करने वाले ने 24 विन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेज करना ईजी हो जाता है अगर कुछ अच्छी बॉलिंग, टाइट बॉलिंग ना की जाए, तब तक मैच इजी रहता है।
चीज़ करना यहाँ पर ज़्यादातर टीम पसंद करती है, क्योंकि बैटिंग यहाँ पर अच्छी होती है और फास्ट बॉलर को इनिशियल स्टेज में हेल्प मिलती है। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, लेग स्पिनर जो है वो अच्छा कमाल करते हैं। तो अपने टीम में जब आप टीम क्रिएट करोगे फैंटेसी स्पोर्ट्स में, जहाँ भी आप खेलते हो, तो एक लेग स्पिनर अपने टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि देखा गया है लेग स्पिनर अक्सर यहाँ पर कमाल करते हैं। टीम न्यूज़ की अगर बात कर ले, तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत बड़ी खबर रही है कि एलिजा पेरी ऑस्ट्रेलिया की टीम से रूल्ड आउट हो गई है, उनको इंजरी है, इसलिए बहुत बड़ा झटका है ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। और बहुत बड़ी ऐसी प्लेयर है जो अपने दम पर ही मैच जिताने की काबिलियत रखती है दोस्तों, अच्छी ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी विकेट लेती हैं और जब मैच जिताने की बात आती है तो अकेली खड़ी रहकर इन्होंने मैच जिताए भी है। प्रोबेबल 11 की हम बात कर लेते हैं और उनका फॉर्म देख लेते हैं प्लेयर का। तो यहाँ पर शिपाली शर्मा जो ओपन करेंगी, काफ़ी बढ़िया पोजीशन उन्होंने, रैंक 1 पर है फ़िलहाल के लिए, और पिछले 3 महीने में वो लगभग इतना अच्छा खेली है कि नंबर 1 पर आ गई है उनका स्ट्राइक रेट और एवरेज की वजह से, क्योंकि अभी लगभग कोई सोच नहीं रहा था कि ऐसी कोई प्लेयर अचानक से नंबर 1 पर आ जाएगी, बट उतना अच्छा उनका फॉर्म, उतनी अच्छी उनकी बैटिंग चल रही है जिसकी वजह से वो नंबर 1 पर फ़िलहाल पहुंच गई है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप जीएल खेलते हैं तो 2 से 3 टीम में इन्हें ड्रॉप कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही बॉल काफ़ी होती है किसी को आउट करने के लिए। हो सकता है कल पहली ओवर में ही शिफाली शर्मा आउट हो जाए, हम दिल से यही चाहेंगे कि वो आउट ना हो, बट मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों, एक टीम में जीएल में इनको आप सी भी बना सकते हैं और कुछ टीम में आप इनको ड्रॉप भी कर देना, ओके, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। पहली कुछ 4 मैच में अगर हम नज़र डालें तो पहली मैच में इन्होंने 29 रन, दूसरी मैच में 39 रन, तीसरी मैच में 46 रन और चौथी मैच में 47 रन की पारी, काफ़ी ताबड़तोड़ पारियां इन्होंने चारों भी खेली थी और काफ़ी इंटरटेन किया था क्राउड को। स्मृति मंदाना का कल दिन हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहले के भी मैच में काफ़ी अच्छा खेला है, तो कल आपके लिए डिफरेंशियल पिक हो सकती है, आप चाहे तो इन्हें जीएल में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही चिंताजनक बात रही है इंडिया की टीम के लिए, 2 बड़े प्लेयर नहीं चले हैं पूरे टूर्नामेंट में, वो है स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। तो कल का मैच देखते हैं, कल अगर इनका चलना बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे शफाली वर्मा और जमीमा नहीं चलती है तो इनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। उम्मीद करेंगे कल इनका फॉर्म आ जाए और अच्छे रन इनके बल्ले से निकले। दूसरी है दीप्ति शर्मा कल इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इनका, टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो दीप्ति शर्मा ही है जो हमेशा से रन बनाती आई है और विकेट भी लेती आई है समय समय पर। वेदा कृष्णमूर्ति आएंगी फिर और इनका भी फॉर्म अच्छा रहा है, जब भी बैटिंग पर आती हैं तो कुछ ना कुछ रन मार कर ही जाती हैं, और तानिया भाटिया हैं उसके बाद विकेट कीपर में, इनको कल प्रमोट भी किया जा सकता है रन के हिसाब से, और अगर जल्दी विकेट गिर गई या तो फिर कुछ अच्छा बड़ा स्कोर अगर हिटिंग करना है तब इनका प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद में शिखा पांडे हमारी फास्ट बॉलर, और राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव, ये प्रोबेबल 11 कल की मैच के लिए हो सकती है। और मुझे नहीं लगता कि कल अरुंधति रेड्डी को मौका मिलेगा टीम में, क्योंकि इंडिया विनिंग टीम के साथ ही जाना चाहेगी। ऋचा घोष का भी फॉर्म अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने, बट मुझे नहीं लगता कि कल की मैच में उन्हें मौका दिया जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 बात कर ले तो एलिजा हेली जो ओपन करेंगी बेतमुनी के साथ, इनका फॉर्म थ्रू आउट अच्छा रहा है अभी तक वर्ल्ड कप में, आप देख सकते हैं पहले मैच में इन्होंने 51 मारा था, दूसरे मैच में आउट हो गई थी, तीसरे मैच में फिर 83 बांग्लादेश के खिलाफ खेला उन्होंने, फिर 0 रन, 18 रन।
कल की मैच में भी इंडिया के खिलाफ अगर मैं बात करूँ तो इनका परफॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, हमेशा स्ट्रगल किया है इंडिया के सामने इन्होंने रन बनाने के लिए। हम आगे देखेंगे, मैं हेड टू हेड में उसके लिए रिलेटेड बात करेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं। बैत मुनी का रिकॉर्ड भी लास्ट कुछ मैच में फॉर्म हमें नज़र आया है, काफ़ी अच्छी पारियां उन्होंने खेली है 81 रन की और 60 रन की। उसके बाद आती हैं एशले गार्नर, एशले गार्नर का भी डिपेंड करता है क्या सिचुएशन पर विकेट जा रही हैं, और अगर जल्दी विकेट गिर जाती है स्टार्टिंग के ही 5 से 6 ओवर में तो फिर मैग लेनिन अपनी पोजीशन संभालती है और एज अ कप्तान वो ऊपर आती है, उसके बाद में गार्डनर को नीचे शिफ्ट किया जाता है। दोस्तों रिचल हाइनस आपके लिए जी एल पिक रहेंगी, मैं अभी से ही बता दूं आपको, क्योंकि जब भी विकेट संभालने की बात आती है तो ये बहुत ही अच्छा खेलती हैं और विकेट नहीं देती हैं। जेनसन भी अच्छी ऑलराउंडर है, अच्छी डिफरेंशियल पिक हो सकती हैं आपके लिए। निकोला केरी, उसके बाद में है सोफ़ी, फिर जॉर्जिया, फिर डेलिसा एंड मेगन स्कर्ट, ये लाइनअप रहेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस इसमें होगा, और अगर होता भी है तो मॉली स्ट्रेनो टीम में आ सकती है। किसकी जगह तो मैं बता दूं, सोफ़ी मोलिनिक्स की जगह पे स्ट्रेनो को लाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हवा चलेगी और मूवमेंट स्ट्रेनो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंशियल जीएल पिक हो सकती है। तो हो सकता है एक बॉलिंग लाइनअप मजबूत करने के लिए स्ट्रेनो को लाया जा सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ और बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। कमेंट करके ये मत कह दीजिएगा कि सर आपने बताया था हमने वैसा किया, बट मैं अच्छे से अच्छा आपको गाइड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते, ये इन दी एंड आपको आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके पैसे हैं, आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ये फाइनल फैसला आपको ही लेना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट 5 मैच की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कैसा मुकाबला रहा है लास्ट 5 मैच का दोनों ही टीम का। वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग पर इंडिया 4th नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है। नंबर 1 टीम मतलब उस लेवल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला साउथ अफ्रीका के सामने भी, इतने लो स्कोर बनाने के बावजूद उन्होंने साउथ अफ्रीका को चेस करने नहीं दिया दोस्तों, उसे कहते हैं टीम परफॉर्मेंस। पहली बार इंडिया का ऐसा हुआ है कि वो फाइनल में पहुंची है, अब तक सिर्फ वो सेमीफाइनल तक ही पहुंची थी, 4 बार सेमीफाइनल में ही हार गई थी, फाइनल में कभी नहीं पहुंच पाई थी इंडिया। ये बार पहली बार 2020 में ऐसा हुआ है कि इंडिया फाइनल तक पहुंची है, और वो पूरी कोशिश करेगी ऑस्ट्रेलिया को हराने की, और उसका मोमेंटम भी इसलिए बड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी लीग में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, तो इंडिया मानसिक तौर से और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। ऑस्ट्रेलिया कम लो फील करेगी क्योंकि ऑलरेडी वो इंडिया से हार चुकी है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी तगड़ी है और शफाली वर्मा का फॉर्म इतना भारी है कि मेगन स्कर्ट ने भी कह दिया है कि मुझे बहुत बुरा लगा था और पहली बार किसी ने मुझे इतना लंबा सिक्स मारा था जितना लंबा सिक्स शफाली वर्मा ने उनको मारा है। तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है, अच्छा मैच होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, मज़ा आएगी। लास्ट 5 मैच आई होप आपने देख लिया होगा, अगर आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिटेल की हम बात कर लेते हैं, प्लेयर टू वॉच। हेड टू हेड जब हम टीम बनाए तो किस प्लेयर को हमें ध्यान खास तौर से देना है, हम बात कर लेते हैं। बैत मुनी अच्छे फॉर्म में चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, लिजा हेली दोनों ही ओपनर काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, बड़े स्कोर जब भी बनाना होता है तो इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ये दोनों अच्छी ओपनिंग दे देती हैं और 10 ओवर तक टिक जाती हैं तो 100 रन तो 10 ओवर में ही बना लेती हैं दोस्तों, तो इनका जल्दी आउट होना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये दोनों मिलके बहुत रन मार देती हैं, तो हेड टू हेड टीम में आप इन्हें मिस नहीं कर सकते दोस्तों। इंडिया की तरफ से शफाली वर्मा और स्मृति मंदाना का फॉर्म वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा है अभी तक, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैंने पास्ट रिकॉर्ड देखा तो उसमें उनका फॉर्म अच्छा रहा है, अच्छा उन्होंने खेला है,
किसी बॉलर से उनको दिक्कत नहीं हुई है खेलने में, तो आप अपनी टीम में उन्हें हेड टू हेड में बिंदास ले सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। बाकी बॉल मैंने बताया ना, एक बॉल ही काफ़ी है किसी को भी आउट करने के लिए, और खेलना चाहे तो बंदा बंदी 20-20 ओवर तक खड़े रह के अकेले ही खेलते हैं। ये तो रही बैट्समैन की बात। बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमें देखना है, दो बॉलर ही है जो हमेशा से अभी का कह लो या फिर पास्ट का भी जो भी आपस में हेड टू हेड मैच हुई है उसके अंदर दो बॉलर ने ही हमेशा परेशान किया है इंडिया की टीम को, वो है जेनेसन और मैगन स्कट। ये दोनों ही बॉलर बड़े ख़तरनाक है इंडिया के लिए, और एक अच्छी ऑलराउंडर है, और एक अभी इंग्लैंड की बॉलर ने उन्हें पीछे कर दिया है, वरना ये नंबर वन बॉलर अभी तक की थी। इंडिया की तरफ से पूनम यादव पर सबकी नज़र रहेगी, और शिखा पांडे पर भी नज़र रहेगी जो कि फास्ट बॉलर है, और यहाँ पर फास्ट बॉलर स्टार्टिंग फेज़ में चलते हैं दोस्तों, तो हो सकता है स्टार्टिंग की दो विकेट शिखा पांडे ले लें अपनी पहली ओवर में। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं इंडिया का लवर हूँ, इंडिया की टीम को फेवरेट अपने मान रहा हूँ, इसीलिए पूनम यादव ने जब लास्ट मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैं बता दूं 4 विकेट इन्होंने लिए थे, और अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस मैच में भी वो 4 से 5 विकेट ले ले, हम तो यही चाहेंगे कि वो ले ले, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ फैंटेसी स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे सब तरीके से सोचना होता है जब मैं टीम बनाता हूँ, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, तब जाके एक GL कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों। या तो अभी बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई पूनम यादव ने लास्ट मैच में 4 विकेट लिया है ऑस्ट्रेलिया का, तो ये मैच में भी सी बना लेते हैं, ये मैच में भी वो ज़रूर परफॉर्म करेगी, हम तो यही चाहेंगे कि परफॉर्म करे, और करेगी भी। अभी आप ये नोटिस करिए कि लास्ट अगर जब उन्होंने देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि उनका, देखो पूनम यादव ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लिए पहले ही मैच में, उसके बाद में आप जब उनका बॉलिंग देखेंगे तो उसके बाद सेकंड मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया, ओके, उसके बाद आप देखेंगे तो उनके बाद 2 मैच में विकेट मिला ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो बहुत हो गई थी, बट देखो एक ही विकेट मिला है। तो वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है जब हम फैंटेसी स्पोर्ट्स की टीम बनाते हैं दोस्तों। ये सब छोटी छोटी चीज़ है जो आपको कोई आएगा नहीं दोस्तों, और आपको कोई इतना ज्ञान देगा नहीं, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लोग मायूस हो जाते हैं कि ये सोच के कि भाई GL नहीं आई, तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर ध्यान रख के टीम बनानी होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड मैच की बात कर लेते हैं। तो जब दोनों ही टीम आपस में भिड़ी है, तो लास्ट 5 मैच में क्या हुआ है, लास्ट 5 मैच की बात की जाए तो इंडिया यहाँ पर का इंडिया का दबदबा अच्छा रहा है। इंडिया ने 5 मैच में 3 मैच जीते हैं, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है दोस्तों। आप चाहिए तो स्कोर क्या रहा है पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी सबसे बड़ी बात, 5 लास्ट जो मैच हुए हैं उसके हिसाब से मैंने कुछ प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी टीम बनाते वक्त कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है हेड टू हेड में। तो ये जो प्लेयर मैं आप बता रहा हूँ आपको मिस नहीं करने हैं अपने हेड टू हेड टीम में, और GL खेलेंगे तो आपको मिस कर सकते हो किसी को भी। बट चलिए परफॉर्मेंस की यहाँ पर मैं बात कर लूँ, हेड टू हेड परफॉर्मेंस में इंडिया के जो बैट्समैन हैं शफाली वर्मा काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेती हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों के सामने, और स्मृति मंदाना का फॉर्म आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और रॉड्रिज है, दीप्ति शर्मा है, ये चारों ही क्लासिक क्लास बैट्समैन, सब मैच में इनका परफॉर्मेंस रहा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक आधा मैच ऐसी हो गई है कि रन नहीं बना पाए, वरना हर दूसरे मैच में ये प्लेयर रन बनाते ही हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने भी, भले वो नंबर वन टीम क्यों ना हो, हमारे प्लेयर सबको ठोकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो रन बनाते हैं इंडिया के सामने वो है बैथमुनी, गार्डनर और मैगलेनी, ये तीनों ही प्लेयर है जो अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ ना कुछ रन बना कर जाते हैं इंडिया के सामने, और इंडियन बॉलिंग को ये झेल लेते हैं।
बॉलिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो राजेश्वरी गायकवाड़ एक काफ़ी मेन बॉलर रहेगी आपके लिए, डिफरेंशियल पिक है और सी आप एक टीम में इन्हें बनाई दीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका मैंने देखा लास्ट 5 मैच में रहा है। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली यही बॉलर है दोस्तों, कोई बताएगा नहीं, मैं आपसे ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो आपको GL अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें आपको काम आएगा दोस्तों। पूनम यादव उसके बाद में अच्छा फॉर्म में है, दीप्ति शर्मा और शिखा पांडे। दीप्ति शर्मा भी सी के लिए आप जा सकते हो दोस्तों क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग में भी एक से दो विकेट वो हमेशा से उन्होंने लिया है, ऐसा रिकॉर्ड बताता है दोस्तों। मैं यहाँ पर अपने मन की कोई भी बात नहीं कहूँगा, जो भी कहूँगा मैंने रिकॉर्ड के बेस पर ही ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने डाली है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो ही बॉलर है जैसा मैंने बताया कि जो आपको लेने ही है हेड टू हेड टीम में। GL में आप कुछ भी कर सकते हैं बट हेड टू हेड में ये आपके टीम में होना ही चाहिए जो आपको पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग से भी जेनेसन आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगी अगर उसकी बैटिंग आती है तो, और बॉलिंग से वो इंडिया के खिलाफ 5 विकेट भी अकेली ले चुकी है। मेगन शूट तो 2-3 विकेट उनकी रहती ही है इंडिया के सामने भी, ऐसे तो नॉर्मली आप देखोगे तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में भी अगर मेगन स्कट की बात करेंगे तो पहले मैच छोड़ के इंडिया के सामने विकेट नहीं मिली थी, बट आगे आप देखोगे तो 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी खासी विकेट ली है दोस्तों। तो अच्छे फॉर्म में है और इंडिया को मुश्किल में डाल सकती है। कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की बात कर लेते हैं, क्या हम अपने प्लेयर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं उन लोगों के लिए जो मल्टीपल टीम्स के साथ खेलते हैं, 6 टीम 9 टीम और 11 टीम, तो आपके लिए ये ऑप्शंस है। सी के लिए शिफानी वर्मा बहुत अच्छी ऑप्शन है और बट रिस्क भी है, एक बात याद रख लीजिएगा। बैत मुनी अच्छी ऑप्शन है, मैगलेनिन अगर जल्दी विकेट जाती है तो एज कप्तानी पारी वो खेल चुकी है बहुत बार। दीप्ति शर्मा अच्छी ऑप्शन है सी के लिए क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट दे सकती है, पॉसिबिलिटी है। और वाइस कैप्टेंसी के लिए राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, एश्ले गार्डनर एंड जेस जोनेसन्स, ये आपके वाइस कैप्टेंसी के लिए ऑप्शंस है कुछ। अभी आपसे मैं अपनी हेड टू हेड टीम की शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको 2 हेड टू हेड की टीम मैं दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिंदास, और या तो आप अपनी मर्ज़ी से CVC जो मैंने ऑप्शन दिए उसमें से भी किसी को भी रख सकते हैं। पहली हेड टू हेड टीम आप यह देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं और देख लीजिए। सेकेंड टीम मैं आपको बता दूं, मेरी हेड टू हेड के लिए ये रहेगी। यहाँ पर आपको क्रेडिट इशू आ सकते हैं तो किसी बड़े प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए काफ़ी सोच समझ कर, परफॉर्मेंस देखकर, स्टैट देखकर मैंने ये टीमें हेड टू हेड के लिए क्रिएट की है दोस्तों। ये हेड टू हेड के लिए है, आप चाहे तो GL के लिए भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अगर मल्टीपल टीम डाल रहे हैं तो हेड टू हेड में भी अपनी GL खेल रहे हैं मल्टीपल टीम से तो हेड टू हेड की टीम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि GL टीम भी आप वीडियो में दे दिया कीजिए, तो उनके लिए मैंने कुछ यहाँ पर लगभग 1, 2, 3, 4, 5 टीम मैं यहाँ पर लेके आया हूँ GL के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जो आपको हेल्प करेगी GL जीतने के लिए। आप चाहे तो ये टीम देख सकते हैं। पहली टीम अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उसके हिसाब से बनाई है मैंने, ओपनर ये सोच के कि ओपनर हमारे अच्छा करेंगे, उसके बाद में 2 बॉलर अच्छा करेंगे और बॉलर के साथ एक ऑलराउंडर मैंने रखा है। यहाँ पर मेगन स्कट है, क्रेडिट इशू की वजह से मैं यहाँ पे जेसन को नहीं ले पाया हूँ, आप चाहे तो उसे जेसन को भी ले सकते हैं। हेली को ड्रॉप करके तानिया भाटिया को लेना होगा, बट आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं अगर जेसन आपको इस टीम में चाहिए तो। ये तो एक हो गई टीम, दूसरी टीम की अगर बात कर ले हैं तो ये है दूसरी टीम। यहाँ पर तानिया भाटिया के साथ स्मृति मंदाना को मैंने रखा है ये सोच करके शफाली वर्मा कल आउट हो जाएगी,
और आउट करने वाली बॉलर यहाँ पर मेरी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे दूसरे बॉलर स्कट से ज़्यादा पॉइंट दे देंगे। आप चाहे तो अगर जो बैट्समैन आप ड्रॉप करते हो तो उसके बदले में एक बॉलर आपको सामने रखना ही पड़ेगा, ये सोच करके कि ये बॉलर इस बैट्समैन को आउट करेगा। ऐसे इस हिसाब से कॉम्बिनेशन दोस्तों बनाया जाता है। ओके, मैंने तो नहीं यहाँ पर रखा है, बट आप ऐड कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टीम हमारी है, ये नेक्स्ट टीम आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बैलेंस टीम मैंने बनाई है। मैं इंडिया को फेवरेट मान रहा हूँ, इसीलिए इंडिया के बॉलर ही ज़्यादा मैंने ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही ओपनर को मैंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर जेनेसन आ गई है, बट स्कट नहीं है यहाँ पर इस टीम में, देख सकते हैं। आप चाहिए तो चेंजेस कर सकते हैं, या तो गायकवाड़ की जगह पर आप स्कट को भी लेकर एक बैलेंस टीम, मजबूत टीम बना सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि दोनों ओपनर बहुत भारी पड़ेंगे कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया के, बट हमारे भी बैट्समैन भारी पड़ेंगे ऐसा सोचकर ये, और दोनों ओपनर भारी पड़ेंगे ये सोचकर ये बैलेंस टीम बनाई है दोस्तों। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्मृति मंदाना नहीं है, और यहाँ पर मैंने देखिए दोनों को ऐड कर लिया है, जेसन को भी और स्कट को भी। यहाँ पर मंदाना, मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मंदाना कल फिर से आउट हो जाएगी और कौर भी नहीं चलेगी, इसीलिए ये एक बैलेंस टीम मैंने बनाई है जीएल के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने दोनों ही ओपनर दोनों ही टीम से हटा दिए हैं, खाली सिर्फ यहाँ पर मैंने हरमनप्रीत कौर को रखा हुआ है। यहाँ पर मंदाना और शफाली दोनों को हटा दिया है ये सोच करके दोनों आउट हो जाएंगी, और आउट कौन करेगी, शिखा पांडे करेगी या तो दीप्ति शर्मा करेगी। शिखा पांडे को मैं ले नहीं पाया हूँ, इसीलिए दीप्ति शर्मा को यहाँ पर मैंने सी बनाया है। और यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि स्कट या तो जेनेसन आउट कर लेगी शफाली वर्मा को, या तो अपना स्मृति मंदाना को दोस्तों। तो इसके हिसाब से ये टीम मैंने बनाई है दोस्तों। और जीएल के पिक आपको कुछ चाहिए, ये तो हो गए टीम की बात, जीएल के पिक कौन कौन से प्लेयर है जो आपको जीएल के लिए ट्राई करना है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है दोस्तों। गार्डनर है, आर गायकवाड है, जोनसन है, दीप्ति शर्मा है, रिचल हाइनस है, डेलिस कमिंस है, स्मृति मंदाना है और रिचल हाइनस है दोस्तों। हाँ, रिचल हाइनस का भी नाम, क्योंकि अगर जल्दी विकेट गिरती है तो ये विकेट नहीं देगी दोस्तों, संभाल कर खेलने की इनकी काबिलियत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरी मेहनत को आप लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अपने चैनल पे सब्सक्राइब करके मेरे अपने आगे दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। दुआ करूँगा आप जीएल इस मैच में ज़रूर जीते, और इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, स्टे हेल्दी, बाय।